हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th, 11th और 12th के बारे में। ठीक, आपका जो एग्जाम था वो खत्म हो गया, तो अब आपका हमेशा ये टेंशन रहता है कि मार्किंग जो है वो कैसी होगी। तो क्या मार्किंग जो है वो डिफरेंट जो कैटेगरीज होते हैं, मिसाल साइंस में मार्किंग कैसे होती है, मैथ में मार्किंग, इंग्लिश जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है उसमें मार्किंग जो है वो कैसे होती है। ठीक, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आपका जो मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्किंग जो है वो कैसी होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पता भी नहीं है कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, कंसेप्चुअल मार्किंग होती है, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो स्टूडेंट्स को, क्या उस तरीके से मार्किंग होती है, अगर नहीं पता तो आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि आपने जो मार्किंग का कोई भी मतलब कि कंफ्यूजन है इसके बारे में, तो आपको आज वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हो। ठीक, सबसे पहले अगर हम देखेंगे मैथमेटिक्स की, अगर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में फिजिक्स भी आता है, क्योंकि फिजिक्स में आम तौर पर न्यूमेरिकल का सवाल ही आता रहता है। ठीक है, 80-70% उसमें से न्यूमेरिकल आता है। ठीक, अगर हम सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करेंगे, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ बैकग्राउंड से है, उसकी मार्किंग जो है वो कैसी होती है, उसकी मार्किंग जो होती है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा आया है जिसमें कोई फार्मूला लगी है, तो आपने वो फार्मूला एक्यूरेट डाली है, लेकिन उसका आंसर जो है आपको गलत आ गया है, क्या आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे? देखो, अगर आपने स्टेप ठीक किया है, ठीक है, अगर आपने वो फॉर्म उसमें अप्लाई की है जो उसकी नीड थी, जो उसकी जरूरत थी, तो आपको अगर उस क्वेश्चन में 5 मार्क्स थे, तो आपको अगर आंसर गलत भी होगा तब भी आपको 5 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 नहीं तो या तो 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे या तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर फॉर्म ठीक, जो आपकी फार्मूला थी वो ठीक हुई तो। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। इसी तरीके से फिजिक्स का भी यही सवाल होता है, फिजिक्स का भी अगर आपने मिसाल के तौर पर कोई ओम्स लॉ का क्वेश्चन आ गया है, या फिर कोई स्टेप वाइज क्वेश्चन आ गया, जो आपने स्टेप ठीक किया उसका आंसर जो है वो गलत निकला, लेकिन फिर भी आपको जो आपने वो फार्मूला अप्लाई की है उसमें, तब भी आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई मिसाल के तौर ग्राफ बनानी पड़ी, कोई ऐसी स्क्वायर का, ट्रायंगल का, तो आपने एक ट्रायंगल बना दिया, कोई ग्राफ बना दिया, डाटा हिसाब के हिसाब से आपने वो बना दिया है, तब भी आपको अगर लिखना नहीं आता, कि यहां पर एक्सप्लेनेशन करना नहीं आता, तब भी आपको 2-3 मार्क्स उस ग्राफ में मिल जाएंगे। यहां तक समझ में आ गए कि मैथ में कैसे मार्किंग होती है। ठीक, अगर हम अब लैंग्वेज की बात करेंगे, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, ठीक है, आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है मिसाल के तौर पर उर्दू है, इंग्लिश है, या फिर हिंदी है, ठीक, या फिर संस्कृत है, या फिर कोई और पर्शियन लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपने चूज की है जब आप इंटरमीडिएट में थे या 10th में थे, तो आपने कोई भी लैंग्वेज चूज की होगी, तो उसमें मार्किंग जो होती है वो होती है आपको ग्रामर बेस्ड। ठीक है ना, आपको उर्दू लिखना आता है, अगर आपको उर्दू अच्छा लिखना आता है, ठीक है ना, आपने वर्ड्स में लिखा है, लेकिन आपको पता है कि ये जो ये है ये कहां लगता है, ये यो है ये है ये कहां लगता है। ठीक, मिसाल के तौर आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ये या कहां लगता है, इसी तरीके से जो फुल स्टॉप है वो एक्सक्लेमेशन कहां लगता है, ठीक है, ठीक है, जो ओल साइंस पता है, ठीक है, तो आपने जो भी क्वेश्चन लिखा है उसी के हिसाब से लिखा है, कैपिटल लेटर कहां लिखना पड़ता है, ठीक है, बाकी जो होता है प्रपोजिशन जिसको आप कहते हो वो आपको पता है, तो आप जो आपने लिखा होगा वो ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको उर्दू इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, ये था इंग्लिश का, इंग्लिश उर्दू ये लैंग्वेज सब्जेक्ट का मैंने बता दिया है। ठीक, अगर हम बात करेंगे उसके बाद, अब हम साइंस की बात करेंगे। ठीक, क्योंकि साइंस के बैकग्राउंड से जितने भी स्टूडेंट, जैसे अगर आप 10th में साइंस था या फिर 11th 12th में साइंस है, ठीक है, बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी ये एक ही आता है साइंस वाला। ठीक, इसमें भी ब्रांचेस निकलते हैं जूलॉजी बॉटनी। ठीक, अगर हम देखेंगे साइंस के स्टूडेंट जितने भी है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मार्किंग जो है वो कैसे रहती है। देखो, साइंस में मार्किंग जो होती है वो कंसेप्चुअल होती है। ठीक, ये बात याद रखना, कंसेप्चुअल मार्किंग रहती है साइंस में। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने कंसेप्ट के बेसिस पर अपना अपना जो भी क्वेश्चन है वो लिखा है, मिसाल के तौर पर कोई क्वेश्चन है जिसमें 7 मार्क्स थे या 8 मार्क्स थे या 10 मार्क्स थे,
उसने जो है वो याद किया होगा अपने लैंग्वेजेस में। मिसाल के तौर पर हमारी लैंग्वेज कश्मीरी है, मदर टंग जो है हमारी वो कश्मीरी है, तो उसने कश्मीरी में जो समझा था वो क्वेश्चन, तो अब उसने टूटा फूटा इंग्लिश लिखा है उसमें, ठीक। अब उसको भी कम से कम उसमें 10 में से कम 8 मार्क्स तो आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो सवाल जो उसने लिखा है, जवाब उसने जो लिखा है वो रिलेवेंट कर रहा हो क्वेश्चन से, तब आप उसको वो मार्क्स मिल जाएंगे। अगर उसने अपना ही लिखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोर्ड के बारे में बता दीजिए, उसने आंसर लिखा है कि जो वाल है यहां पर उसने इसके बारे में आंसर लिखा है, ठीक, तो उसको उसमें मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। मार्क्स किस में मिल जाएंगे? अगर आपने कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिखा है लेकिन अपने वर्ड्स में लिखा है, तब भी आपको 10 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। अब इस साल जो है मार्किंग ज्यादा ना ही टफ रहेगी ना ही इजी रहेगी, आपकी मार्किंग मॉडरेट के हिसाब से रहेगी, आपका टाइम भी ज्यादा था इस साल, ठीक। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और मेरी दुआ साथ है, मेरे लिए भी दुआ किया करो, हम आपको हमेशा दुआ में याद रखते हैं। ये छोटा सा वीडियो था आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक शेयर करना, दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर करना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक।